गुड मॉर्निंग, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं रोजाना की तरह एक पॉजिटिव थॉट के साथ। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला जरूर भेज देती है। इसलिए कभी निराश मत होइए, अपनी मेहनत को जारी रखिए, सफलता के दरवाजे आपके लिए जरूर खुल जाएंगे। इसी विचार के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज क्या कहते हैं आपके सितारे। लेकिन सबसे पहले नजर पंचांग पर। आज 12 सितंबर 2024 गुरुवार का दिन है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। नक्षत्रों की बात की जाए तो आज मूल का योग है, वहीं चंद्रमा आज धनु राशि में संचार करेंगे। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या कहते हैं आपके सितारे। सबसे पहले बात मेष राशि की। आज कोई नया काम आपके हाथ लग सकता है जो आपके दिन को और बेहतर बना देगा। बिजनेस के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। अपने पेशेवर क्षमताओं को बढ़ाकर आप करियर में नए दरवाजे खोल सकते हैं। आज आपके पास खाली समय भी होगा और इस समय का इस्तेमाल आप ध्यान या फिर योग करने में लगा सकते हैं। मानसिक शांति का इससे आज आपको एहसास होगा। वृष राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो दिन आपका ठीक ठाक रहने वाला है। आज आपको भूमि, रियल एस्टेट या सांस्कृतिक परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। पार्टनरशिप में किसी नई परियोजना को शुरू करने के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। इससे सभी को मुनाफा भी होगा और आने वाले दिनों में भी लाभ बरकरार रहेगा। किसी नए रोजगार में नए काम को करने का मौका भी आपको मिल सकता है। बेवजह के तनाव को हालांकि आज अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि हो सकता है कि काम की अधिकता के कारण आप परेशान हो जाएं। मिथुन राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो दूसरों की आलोचना करने की आपकी आदत के कारण आपको आलोचना का शिकार होना पड़ सकता है। अगर आप लंबे वक्त के लिए निवेश करना चाहते हैं तो ये आपको अच्छा खासा जो फायदा है वो दे सकते हैं। नौकरी बदलना इस वक्त आपके लिए मददगार साबित होगा। मार्केटिंग क्षेत्र आपके लिए एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। इसी के साथ दिन कानूनी मामलों में भी आज आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आप किसी काम को कर पार्टनरशिप में अगर उसे करना चाहते हैं तो वो भी आपको लाभ ही देकर जाएगा, मगर सेहत के मामले में थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। कर्क राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो आज आपके लिए मिला जुला दिन रहने वाला है। आप बिजनेस में बदलाव की योजना को लेकर मेहनत अधिक करेंगे लेकिन लाभ उस तरह से आपको नहीं मिल पाएगा। जीवन साथी को कार्यक्षेत्र में प्रमोशन मिलने से घर में माहौल खुशनुमा हो सकता है। माता पिता की सेहत हालांकि आपके लिए चिंता का कारण बन जाएगी। घूमने फिरने की अगर आपने कोई योजना बनाई है तो उसमें भी आज आपको सफलता मिलेगी। कुछ लोगों का दिन जो है वो पूरी तरह से मौज मनोरंजन में गुजर सकता है। दफ्तर में जो लोग जाते हैं, नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो आज आपको अपने काम को लेकर सतर्क रहना है। कोई भी योजना किसी से भी तब तक साझा ना करें जब तक कि वो पूरी ना हो जाए। सिंह राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो देखिए, आज का दिन प्रॉपर्टी की खरीदारी के लिए अच्छा रहेगा। आज आपको आमदनी के नए स्रोत मिलेंगे। किसी पुराने दोस्त से अचानक मुलाकात हो सकती है। आज कार्य क्षेत्र में बस आपको ख्याल रखना है कि अगर कोई सलाह दे तो आप उस पर सोच विचार करके ही आगे बढ़ें। किसी भी विवाद में पड़ने से बचिए, तब तक ज़्यादा ना बोलें जब तक कि ज़रूरत ना हो। आज आपको अपनी वाणी पर और गुस्से पर नियंत्रण रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कन्या राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो आज कुछ मसलों को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। नया आर्थिक करार अंतिम रूप लेगा और धन आपकी तरफ आकर्षित होगा। योग्य कर्मियों को पदोन्नति या फिर आर्थिक मुनाफा हो सकता है। जो जातक सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हैं, उन्हें किसी परीक्षा को देने का मौका मिल सकता है। मुसीबत के वक्त परिवार में आपको मदद और सलाह हासिल होगी। आज आप दूसरों के तजुर्बों से भी कुछ सबक सीख सकते हैं। और आज आपके लिए अगर हम सलाह की बात करें तो बस आपको अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखना है। तुला राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो देखिए, आपका ऊर्जा स्तर आज ऊंचा रहेगा। आज के दिन कोई लेन देन आपको सोच विचार कर करना होगा। आपको वाहन चलाने में सावधानी बरतने की भी जरूरत है। बिजनेस में कोई डील फाइनल हो सकती है। अतिरिक्त आय के लिए सृजनात्मक विचारों का आप सहारा ले सकते हैं। सहकर्मियों और वरिष्ठ लोगों का पूरा सहयोग आज आपको दफ्तर में मिलेगा, जिसके चलते आपका काम भी तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगा और लाभ भी मिलेगा। कुल
मिलाकर दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। वृश्चिक राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो देखिए दिन प्रसन्नता दिलाने वाला रहेगा। आपको किसी विशेष काम को लेकर घर से बाहर जाना पड़ सकता है। आप किसी को धन उधार देने से आज बचिए। जो लोग अपने करीबियों या रिश्तेदारों के साथ मिलकर व्यवसाय करते हैं आज उन्हें थोड़ा सोच विचार कर ही फैसले लेने की जरूरत है क्योंकि आर्थिक नुकसान की संभावना बन रही है। कार्य क्षेत्र में आपके विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं, ऐसे में आपको अपने काम को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। इसी के साथ सेहत का भी ख्याल रखें। धनुराशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो आज आर्थिक स्थिति पर आपको ध्यान देने की जरूरत होगी। तनाव का दौर आज बरकरार रह सकता है। पारिवारिक सहयोग हालांकि काफी हद तक आपकी मदद करेगा। काम के दबाव के चलते मानसिक उथल पुथल और परेशानियों का सामना आप कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए हालांकि अच्छा दिन है। व्यवसाय के लिए अचानक की गई कोई यात्रा आपको सकारात्मक परिणाम देगी। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की बात की जाए तो उनके काम की आज सराहना हो सकती है। मकर राशि के लोगों के बारे में बात करें तो देखिए किसी लंबे समय से रुके हुए काम को पूरा होने से आज आप खुश जो है महसूस करेंगे। अपने आप में खुशनुमा आज आपका दिन रहेगा। पार्टनरशिप में आप किसी नए काम को करने की योजना बना सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो आज अपने बॉस के अनुसार ही काम करें और उन्हीं के अनुसार कोई भी बदलाव करना आपके लिए उचित रहेगा। सहयोगी आपके काम में हालांकि रोड़ा अटकाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए दफ्तर में इस राशि के जातकों को आज बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आपकी योजनाएं जो हैं वो आज सिरे चढ़ेंगी और आपको आर्थिक मुनाफा भी करवा कर जाएंगी। खास तौर पर उन लोगों को देखिए जो लोग लेखक हैं या मीडिया लाइन से जो लोग जुड़े हुए हैं आज उन्हें अच्छी ख्याति मिल सकती है और आर्थिक लाभ भी हो सकता है। परिवार में इस राशि के जातकों के विवाह की बात भी आज पक्की हो सकती है। कुंभ राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो देखिए आज का दिन बाकी दिनों की तुलना में आपके लिए बेहतर है। आप खाली समय का आज भरपूर मजा ले पाएंगे। आपका ज्यादातर समय आज दोस्तों और परिवार के साथ बीतेगा। किसी यात्रा पर जाते समय बस आपको अपने जो वाहन है उसे सावधानी से चलाने की जरूरत है। बहुत संभल कर यात्रा करने की जरूरत है। बिना सोचे समझे आज आप किसी भी काम के लिए ना तो हाँ कहें और ना ही उस काम को करने के लिए अपना हाथ बढ़ाएं। आपका कोई मित्र आपके लिए आज निवेश का एक अच्छा ऑफर लेकर आ सकता है। ये यकीन आपको आने वाले समय में आर्थिक लाभ भी करवाएगा। किसी संपत्ति का सौदा अगर आप करने आज जा रहे हैं तो जरूरी कागजातों पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसा ना हो कि गलती से कोई नुकसान आपको उठाना पड़ जाए। मीन राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो आप में आज चुस्ती फुर्ती देखी जा सकती है। आपका स्वास्थ्य आज पूरी तरह से आपका साथ देगा। जो लोग दुग्ध उत्पादन से जुड़े हैं, जो लोग दुग्ध उद्योग से जुड़े हैं उन्हें आज आर्थिक लाभ होने की संभावना बन रही है। कुछ काम को लेकर असमंजस भरी स्थिति भी रहेगी, ऐसे में आप कोई जरूरी फैसला लेने से बचे। बिजनेस में आपको कुछ उतार चढ़ाव का सामना भी करना पड़ सकता है। अपने पारिवारिक समस्याओं पर ध्यान देने की भी इस वक्त आपको जरूरत है। यही सलाह हम देंगे, कोई भी फैसला जल्दबाजी में आज ना लें वरना आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। बहुत संभल कर आज आपको आगे बढ़ना होगा। तो ये था आज का राशिफल। कार्यक्रम के अंत में एक पॉजिटिव थॉट, दीपक कभी नहीं बोलता बल्कि उसका प्रकाश उसका परिचय देता है। ठीक वैसे ही आप खुद के बारे में कुछ भी ना बोलें, अच्छा कार्य करते रहें वही आपका परिचय होगा। चलिए इसी के साथ इस कार्यक्रम में अभी मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। आशा करते हैं कि आज का दिन आपका मंगलमय होगा। नमस्कार।